पुलवामा हमले की पहली बरसी पर जी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और ये समझने की कोशिश की कि आखिर उस दिन क्या हुआ था जहां ये हमला हुआ था। इस इलाके की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ की 110वीं बटालियन की थी। पुलवामा को पूरे कश्मीर के सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक माना जाता है। यहाँ कई आतंकी संगठन हमेशा सक्रिय रहते हैं और इनके निशाने पर भारत की सेना होती है। पुलवामा में जिस जगह पर यह हमला हुआ था उसे आतंकवादियों ने बहुत ध्यान से चुना था। उस दिन सड़क पर आम ट्रैफिक को रोका नहीं गया था ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो और आतंकवादियों ने इसी का फायदा उठाकर हमला कर दिया। आपको बताते हैं कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुआ क्या था। 14 फरवरी 2019 को जम्मू से श्रीनगर की तरफ सीआरपीएफ के जवानों का काफिला आ रहा था। इस काफिले में 38 से 40 गाड़ियां शामिल थी जिसमें सीआरपीएफ के करीब 2500 जवान सवार थे। दोपहर करीब 3:30 बजे पुलवामा के अवंतीपुरा इलाके के पास इस काफिले में शामिल एक बस हमले की चपेट में आ गई। एक सुसाइड बॉम्बर ने विस्फोटक से भरी एक कार से जवानों की एक बस में टक्कर मार दी थी। इसके साथ ही एक भयानक विस्फोट हुआ और सीआरपीएफ की इस बस के टुकड़े टुकड़े हो गए। जिस बस पर हमला हुआ उसमें सीआरपीएफ की अलग अलग बटालियन के जवान सवार थे। जांच में यह पता चला कि हमले में करीब 200 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। यह धमाका इतना बड़ा था कि सीआरपीएफ की बस का एक हिस्सा पास के गांव हजिबल में जाकर गिरा। सीआरपीएफ के सभी जवान छुट्टियों से वापस आ रहे थे। बर्फबारी की वजह से पिछले 3-4 दिनों से रास्ता बंद था और रास्ता जिस दिन खुला हमला उसी दिन हुआ था। जवानों को बुलेट प्रूफ व्हीकल और फिर उनके बीच साधारण बसों में लाया जा रहा था। आत्मघाती हमलावर ने उस बस को निशाना बनाया जो बुलेट प्रूफ नहीं थी। इस आत्मघाती हमलावर का नाम था आदिल अहमद डार। आदिल जैश मोहम्मद का आतंकी था। हमले के वक्त 110वीं बटालियन के कई जवान उसी सड़क पर मौजूद थे जहां से सीआरपीएफ का एक काफिला गुजर रहा था। हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर सीआरपीएफ की इसी बटालियन के जवानों की मदद से पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश की है। 14 फरवरी 2019 को हुए इस आतंकवादी हमले के बाद ग्राउंड जीरो पर पहुंचने वाला जी न्यूज एकमात्र न्यूज चैनल है। पुलवामा से अमन चोपड़ा और मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। तो आज जम्मू कश्मीर के पुलवामा आतंकी हमले की पहली बरसी है। देश के लिए शहादत देने वालों को याद कर रहा है पूरा देश। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पुलवामा के लेथेपोरा में शहीदों की याद में बनाए गए स्मारक का आज उद्घाटन होना है और लेथेपोरा के सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र में पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। सीआरपीएफ ने कहा कि 40 जवानों के सर्वोच्च बलिदान ने देश के दुश्मनों को खत्म करने के हमारे संकल्प को और मजबूत बनाया है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी आज हमारी ये बड़ी कवरेज जारी रहेगी। आपको बताएंगे कि पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के कुछ परिवारों की आपबीती।